हेलो फ्रेंड, जिसे शुभ मेरा नाम बैक टू द वीडियो। गाइस, इस वीडियो में मैं आपको बता रहा हूँ लोग किस तरीके से आप एक न्यूट्रिशन की वेबसाइट जो है क्रिएट कर सकते हैं। अगर आप एक न्यूट्रिशियन है, ठीक है, तो गाइस वैसे जो आपको किस तरीके से जो एक वेबसाइट जो इसकी क्रिएट करनी है। सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स गेट स्टार्टेड। तो गाइस देखिए, आपको सबसे पहले वेबसाइट क्रिएट करने के लिए दो चीज़ों की जरूरत पड़ने वाली है, डोमेन नेम और वेब होस्टिंग। और गाइस दोनों जो है आपको डोमेन रेसर से जो है परचेस कर सकते हैं। और गाइस देखिए, डोमेन अगर आपको परचेस करना है तो आपको यहाँ पर डोमेन पे आना पड़ेगा और यहाँ पे आपको अपने डोमेन का नाम लिखना पड़ेगा। फिर आपको देखना पड़ेगा कि वो अवेलेबल है या नहीं है, तो सर्च कर लीजिए। और गाइस जो भी अवेलेबल होगा तो उसकी जो है प्राइस आ जाएगी यहाँ पे कि इस डॉट का जो अवेलेबल है डोमेन नेम जो है अवेलेबल है, जैसे sjwordpress.com, sjwordpress.realsjwordpress.com, तो इससे रिलेटेड आपको सजेस्टेड कीवर्ड भी जो है वो बता देगा, ठीक है। तो इस तरीके से गाइस ये काफ़ी सारी होस्टिंग जो है अवेलेबल है। एंड गाइस ये जो है आप यहाँ से परचेस कर सकते हो। उसके बाद में गाइस आपको जरूरत पड़ेगी वेब होस्टिंग की डोमेन नेम के बाद में। तो गाइस वेब होस्टिंग में यहाँ पे सिर्फ 59 रुपीज़ पर मंथ से होस्टिंग प्लान जो गाइस चालू होता है, तो काफ़ी ज़्यादा चीपर प्राइस पर जो है मिलते हैं। और गाइस यहाँ पे जो है आपको लाइट स्पीड टेक्नोलॉजी मिल जाती है, आपको SSD डिस्क देखने को मिल जाती है। आप कोई भी वेब होस्टिंग लीजिए, कोई सा प्लान लीजिए, फ्री SSL सर्टिफिकेट मिल जाता है, सिक्योर एंड 20x फास्टर आपको आप स्पीड मिल जाती है। और गाइस यहाँ पे आपको सी पैनल मिलेगा, और गाइस सी पैनल मिलेगा उसके थ्रू जो आप इजीली जो है वर्डप्रेस जो है इंस्टॉल कर पाओगे, ठीक है। तो गाइस यहाँ पे देखिए प्लान से इस हिसाब से आप अपने मर्जी से प्लान ले सकते हो। गाइस सबसे पहले प्लान है बेसिक। तो गाइस नॉर्मल स्टार्ट कर रहे हो वेबसाइट, तो गाइस बेसिक प्लान ले लीजिए आप। अगर आपकी बेसिक सी वेबसाइट तो यहाँ पे आप बेसिक ब्लॉग, पर्सनल और बिजनेस वेबसाइट, यानी कि यहाँ पे आपको एक वेबसाइट है जिसमें काफ़ी कम ट्रैफिक रहता है, तो गाइस आप इसके लिए बेसिक प्लान पे जा सकते हैं। लेकिन गाइस अगर आपकी वेबसाइट पर थोड़ा बहुत ट्रैफिक आता है डेली, तो गाइस फिर आपको जो है पर्सनल पे जाना है। गाइस इसके बाद में गाइस जो सबसे ज़्यादा लोग जो चूज़ करते हैं वो सिल्वर चूज़ करते हैं, तो गाइस इसकी प्राइस जो है सिर्फ 169 रुपीज़ पर मंथ है। गाइस यहाँ पे भी इसके बारे में डिटेल्स लिखी हुई है, जहाँ जैसे आपको हॉस्टरी वेबसाइट अनलिमिटेड एसएसडी स्टोरेज, अनलिमिटेड ईमेल आईडीज, अनलिमिटेड बैंडविड्थ, लाइट स्पीड टेक्नोलॉजी, प्रीमियम फैसिलिटी और गिफ्ट 1-3 अर्थ। और उसके बाद में गाइस एडवांस, ये जो है हैवी ट्रैफिक वेबसाइट है, तो गाइस ये उन लोगों के लिए जिनके वेबसाइट पर काफ़ी ज़्यादा ट्रैफिक आता है। तो जो भी आपको सही लगता है आप अपनी वेबसाइट के ट्रैफिक के हिसाब से जो है ले सकते हैं, ठीक है। अगर काफ़ी ज़्यादा ट्रैफिक आपकी वेबसाइट पर आ रहा है तो आप ये लीजिए एडवांस। और गाइस अगर आपके वेबसाइट पे डिसेंट सा ट्रैफिक आ रहा है, बहुत कम एवरेज सा ट्रैफिक आ रहा है, तो गाइस आप पर्सनल के बारे में सोच सकते हैं, ठीक है। तो गाइस इसके अलावा फिर जब गाइस आप ले लोगे इस वेबसाइट को, फिर गाइस आपके पास सी पैनल आएगा, ठीक है। फिर सी पैनल से जो है गाइस आप वर्डप्रेस इंस्टॉल कर पाएंगे। तो गाइस अब चलते हैं हम सी पैनल पे। तो ये गाइस है हमारा सी पैनल। तो जैसे ही आप वेबसाइट होस्टिंग और डोमेन नेम खरीद लोगे, तो गाइस आपको यहाँ पे सी पैनल मिल जाएगा। और यहाँ पे गाइस आपको इन्फॉर्मेशन है, जैसे यहाँ पे ईमेल अगर आपको ऐड करना है ईमेल लिस्ट, या आपको नया ईमेल ऐड करना है, जितने भी आपको ईमेल मिलते हैं अपनी होस्टिंग के हिसाब से उतने ईमेल आप जो आप ऐड कर सकते हैं। ट्रैक डिलीवरी, स्पैम फिल्टर, सेटर्स, तो गाइस पूरे ईमेल्स को जो है फिल्टर कर देता है। आपको ईमेल अकाउंट आप क्रिएट कर सकते हो, इनक्रिप्शन कर सकते हो ईमेल्स को, ठीक है। तो ये सारी चीज़ आपको मिलती है। उसके बाद में गाइस फाइल अगर आपको वेबसाइट अपलोड करनी है सीधे, अपने वेबसाइट का बैकअप वगैरह लेना है, ठीक है, तो गाइस आप यहाँ से ले सकते हो। उसके बाद में गाइस डेटाबेस अगर आपको डेटाबेस क्रिएट करना है, डेटाबेस एडिट करना है, तो आप यहाँ से कर सकते हो। फिर ये गाइस डोमेन से, तो यहाँ पे गाइस अगर आपको साइट जो है रिडायरेक्ट करनी है किसी अदर डोमेन पे, उसके अलावा गाइस अगर आपको एड ऑन डोमेन करने हैं, सब डोमेन से ऐड करने हैं, तो गाइस आप यहाँ से कर सकते हो। फिर ये गाइस ये मैट्रिक जो कि आपकी वेबसाइट के स्टडी टैरिक्स आपको जो शो करेगा। इसके बाद में गाइस ये सिक्योरिटी टूल्स है, तो काफ़ी सारी अवेलेबल। फिर गाइस ये सॉफ्टवेयर है, तो ये सॉफ्टवेयर यही है गाइस कि आप अगर CMS जैसे वर्डप्रेस वगैरह कोई भी चीज़ इंस्टॉल करना चाहते हो, कोई भी सॉफ्टवेयर अपनी होस्टिंग पे इंस्टॉल करना चाहते हो, तो आप यहाँ से कर सकते हो। इसके बाद गाइस यहाँ पे एडवांस टूल है, फिर ये गाइस के प्रेफरेंस टूल्स है। इसके बाद में गाइस ये साइट पर वेबसाइट बिल्डर थीम्स है, तो गाइस अगर आप वर्डप्रेस के थ्रू इंस्टॉल करना चाहते हो तो यहाँ से भी जो है इंस्टॉल कर सकते हो। पहले आपको अपने होस्टिंग के सी पैनल में आना है। मैं डोमेन रेसर होस्टिंग के सी पैनल पे हूँ। यहाँ पे सीधा आपको वर्डप्रेस पे क्लिक करके वर्डप्रेस को इंस्टॉल नाउ करना है। फिर उसके बाद में गाइस यहाँ पे आपको अपनी डिटेल्स डालनी है। उसके बाद गाइस यहाँ पे आपको अपना साइट नेम, डिस्क्रिप्शन, यूजर नेम, पासवर्ड, और यहाँ पे सीधा आपको अपने डेटाबेस का नाम डालना है। उसके बाद में आपको सीधा इंस्टॉल पे क्लिक करना है। और गाइस देखिए यहाँ से सीधा जो ये इंस्टॉल हो जाएगा, तो अभी जो इंस्टॉल हो रहा है। उसके बाद में गाइस देखिए यहाँ पे आपके पास ये दो ऑप्शन आ जाएंगे। एक है WP जो कि आपका एडमिन सेक्शन का है, यहाँ से जो है आप प्लगइन और थीम्स जो इंस्टॉल कर सकते हो। और गाइस ये है यूजर के लिए, यहाँ से जो भी होगा वो यूजर्स को दिख जाएगा, ठीक है। तो ये दोनों जो है आपको देखना है। आपको फ्रेंड सबसे पहले एक प्लगइन इंस्टॉल करना है जो कि आपको वर्डप्रेस की साइट पर मिल जाएगा, उसका नाम है एक्स्ट्रा साइट, ठीक है। तो ऐड न्यू पे आता हूँ मैं और यहाँ पे सीधा अपलोड कर देता हूँ, ठीक है। तो ये मेरा प्लगइन है गाइस, ये वो जो प्लगइन है आपको वर्डप्रेस की साइट पर मिल जाएगा, इसका नाम याद रख लीजिए एक्स्ट्रा साइट, ठीक है। तो मैं इसको ओपन करके सीधा यहाँ से इंस्टॉल कर देता हूँ। तो गाइस ये जो है इंस्टॉल हो जाएगा, एंड इसके बाद में हमारे पास जो है दोनों ही ऑप्शन आ जाएंगे। बिहेवियर का तीन ऑप्शन आएंगे, बिहेवियर का, एलिमेंटर का और
वर्डप्रेस ब्लॉक का, ठीक है। तो इसको एक्टिवेट कर दीजिए, इसके बाद में आप यहाँ पे, एंड एक्टिवेट करने के बाद में सीधा आपको, तो गाइस ये एक्टिवेट है और यहाँ पे आप सीधा सी लाइब्रेरीज पे आ जाइए। लाइब्रेरीज पे आके आपको यहाँ पे आना है, बिल्ड योर वेबसाइट नाउ। अब गाइस यहाँ पे तीन ऑप्शन अवेलेबल है, ब्लॉक एडिटर, एलिमेंटर और बिहेवियर बिल्डर। तो इसमें से किसी से भी अगर आपको साइट बनानी है तो उससे आप बना सकते हैं। ब्लॉक एडिटर का हम इतना यूज नहीं करेंगे क्योंकि ये जो है इतना यूज यूजुअली सिर्फ नॉर्मली ब्लॉक्स का एडिट करने के लिए होता है, बट ज़्यादा हम एलिमेंटर और बिहेवियर बिल्डर का ही जो है यूज करने वाले हैं। तो गाइस देखिए, न्यूट्रिशन की वेबसाइट बनाने के लिए सबसे पहले आपको एलिमेंटर पे आना पड़ेगा और यहाँ पे आपको थीम ढूंढनी पड़ेगी, ठीक है। एंड देन यहाँ पे गाइस आपको लोगो अपलोड करना पड़ेगा, ठीक है। तो लोगो है तो अब गाइस यहाँ पे ये लोगो है, मैं इसके साथ ही जाऊँगा, ठीक है। देन स्किप एंड कंटिन्यू कर दीजिए। एंड गाइस यहाँ पे एक थीम ले लीजिए अच्छी से, ठीक है, जो आपको लगे यहाँ पे सूट हो रही है, दिस थीम आई लाइक, ठीक है। तो मैं इसके साथ जाऊँगा एंड देन कंटिन्यू एंड देन सबमिट एंड बिल्ड माई वेबसाइट। तो गाइस ये वेबसाइट इंस्टॉल हो गई है, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पे आ रहा है आपको, ठीक है। एंड गाइस ये इस तरीके से जो हमारी वेबसाइट आ रही है, ठीक है, न्यूट्रिशन की वेबसाइट है। एंड गाइस यहाँ पे ये एक नाम लिखा हुआ है, लूसी एंडरसन। अब यहाँ पे जो भी न्यूट्रिशियन है उसका जो है आप फोटो डाल सकते हो, ठीक है, उसका नाम लिख सकते हो, ठीक है। एडिट विद एलिमेंटर, आप कोई भी नाम लिख सकते हो और जो फोटो, जो भी आपकी फोटो है, इस हिसाब से आपको फोटोशॉप में फोटो बनानी होगी जो इस थीम के ऊपर मैच करे, तो वो फोटो जो है आपको यहाँ पे लगानी पड़ेगी। तो गाइस अगर आपको चेंज करना है तो यहाँ से चेंज करने का ऑप्शन है, तो यहाँ से चेंज कर सकते हो, ठीक है। एंड यहाँ पे आप नाम लिखना चाहो तो नाम लिख सकते हो, आई एम न्यूट्रिशियन लूसी एंडरसन की जगह मैं मान लो कुछ भी लिख सकता हूँ, लाइक देयर इज अ लॉट ऑफ माय नेम एक्चुअली, लाइक एम आई एंडरसन में भी, ठीक है। तो कुछ भी लिख दो, ठीक है। एंड देन यहाँ पे उसके बारे में लिख दो, व्हाट यू डू, ठीक है ना, एंड गेट योर फ्री हार्म। तो आप अपने बारे में लिख दो यहाँ पे, एक मेन आपका जो भी मेन टैग टैग लाइन लिख सकते हो यहाँ पे, या फिर यहाँ पे आप जो बेस्ट चीज प्रोवाइड कर रहे हो उसके बारे में लिख सकते हो, ठीक है। एंड देन इसके बाद में गाइज ये फोटोज है, अगर यहाँ पे चाहो तो आप चेंज कर सकते हो, अपने लिख सकते हो। एंड गाइज उसके बाद में आप अपनी टीम को यहाँ पे टीम लगा सकते हो, ठीक है। एनीवे अगर ये यहाँ पे नहीं लगानी है तो यहाँ पे क्लोज का ऑप्शन है, और अगर फोटो आपको कम करनी है तो गाइज इसको भी आप रिमूव कर सकते हो। ऐसे नहीं है, आप जो है 4K में सेक्शन आते हो तो आप 4K सेक्शन में जा सकते हो, देर इज ऑलवेज ऑप्शन, ठीक है। एंड बाकी आप इसको अलाइनमेंट कर सकते हो। एंड इसके अलावा गाइज आपका टेस्टिमोनियल, क्या आपके लोग क्या बोल रहे हैं, ठीक है, तो यहाँ पे आप उनको लगा दो। एंड अगर गाइस आपने बुक को लॉन्च करी है तो उसको जो ऑर्डर वगैरह कर सकते हो न्यूट्रिशन, बट आई एम क्लोजिंग बिकॉज काफी लोग ऐसा नहीं करते, ठीक है। फिर अगर आपने कुछ आर्टिकल्स लिखे हो तो गाइस वो आर्टिकल आप लिख सकते हो, उनका लिंक जो है यहाँ से कर सकते हो। अगर आप ज़्यादा करना चाहते हो तो गाइस ज़्यादा का भी ऑप्शन आपके पास अवेलेबल है, तो उसको जो है ज़्यादा कर सकते हो, ऐसा कोई जरूरी नहीं है यही करो। आपके लिए तीन ही लिखना है अगर, लेकिन गाइस ये क्या है, 3 फीचर आर्टिकल है, ठीक है। तो ये आपको अपने आर्टिकल की साइड पर ले जाएंगे, ठीक है। फिर वहाँ से अगर आपने ज़्यादा लिखे होंगे तो वो भी देख सकते हो, ठीक है। एनीवे जैसे प्रोग्राम्स है, ठीक है, प्रोग्राम्स के अंदर क्या क्या है एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ठीक है। तो इस सारे को गाइस हम वैसे चेक करते हैं कि इसके अंदर और जो है क्या क्या चीज़ें हैं, सो लेट्स चेक। एनी वे तो ये है गाइस, जैसे प्रोग्राम्स है एनी वे, एंड ये प्रोग्राम्स में लाइक ये चीज़ें लिखी हुई इसके बारे में एनी वे, कि क्या क्या है प्रोग्राम्स आप जो प्रोवाइड कर रहे हो, सक्सेस स्टोरी आपके लोगों की, जो आपके क्लाइंट्स उनकी सक्सेस स्टोरी आप यहाँ पर डाल सकते हैं। फिर ब्लॉग है, ये आपके आर्टिकल्स है, ठीक है। एनी वे तो ये आर्टिकल्स है गाइस, जिनमें से 3 आर्टिकल जो है आप यहाँ पे मेन होम पेज पर जो है फीचर कर सकते हो, ठीक है। तो दिस इज अ गुड थिंग अबाउट इट, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे आपने फीचर कर दिए 3 आर्टिकल, तो गाइज इस तरीके से जो ये काम करेगा, एनीवे साइड इज लुकिंग गुड, वेरी गुड। एनीवे एंड गाइज अपने बारे में लिखो, जैसे इसमें लिखा है आई एम लूसी एंडरसन, मैंने इसका नाम कर दिया बेचारे का एम एंडरसन, बट स्टिल यहाँ पे वही लिखा हुआ है। तो यहाँ पे गाइज आप चेंज कर सकते हो, फोटो इधर भी आपको अपनी लगानी है, तो ये फोटो फोटो गाइज लगाना ईजी, मैंने आपको बता रखा है, बहुत बार बता रखा है कैसे करना है। फिर ये कॉन्टैक्ट है गाइज, ये सब कुछ मैंने ऑलरेडी आपको इतनी वीडियो बताई है तो आपको पता ही है सब कुछ कैसे करना है, ठीक है। मेरे को बार बार बताने की जरूरत नहीं है क्योंकि वीडियो फिर वैसे भी जो है बहुत बड़ी हो जाती है। तो फिलहाल इस वीडियो में नहीं, थैंक्स फॉर वॉचिंग की वॉचिंग माई वीडियो। गाइस अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो यहाँ पे नीचे लाइक का बटन है, इसको आपको लाइक करना है अभी की अभी। एंड गाइस कुछ भी क्यूरीज है, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है ना, तो नीचे यहाँ पे कमेंट बॉक्स जो है यहाँ पे आपको कमेंट करना है, और गाइस मैं उसका इंस्टेंटली रिप्लाई करके आपको बता दूंगा कि आपको जो है क्या करना है। अगर कहीं पे भी आपको कुछ प्रॉब्लम हो रही है तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दो, और इसके अलावा गाइस कुछ भी आपकी अदर क्यूरीज है तो कमेंट कर सकते हो। जैसे आप चाहते हो मैं किसी पर्टिकुलर चीज के ऊपर या किसी पर्टिकुलर टाइप की वेबसाइट बनाऊं तो गाइस इसके लिए नीचे कमेंट कर दो, क्योंकि उसी टाइप की वेबसाइट गाइस जो मैं वर्डप्रेस में जो है आपको बना के बता दूंगा, तो गाइस नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट खाली है इसीलिए, तो यहाँ पे कमेंट करिए। एंड गाइस अगर आपको मेरी वीडियो बहुत अच्छी पसंद आ रही है तो गाइस यहाँ पे देखिए नीचे सब्सक्राइबर का बटन है, इसको सब्सक्राइब करो, और गाइस इस चैनल को आप सब्सक्राइब करके आपको यहाँ पे नोटिफिकेशन का बेल आइकन दबाना है। तो गाइस ऐसे में जब भी मेरी वीडियो या निशिता की वीडियो इस चैनल के ऊपर आएगी तो आपको उसकी इंस्टेंटली अपडेट मिल जाएगी। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।